सो हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। तो आज ये हमारा तीसरा वीडियो है रिज्यूम के सीरीज का, और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको हाउ टू मेक सीवी करिकुलम विटाए, कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल विथ एग्जांपल आपको बताने वाला हूँ। गाइज, जैसे कि इससे पहले ही मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि क्या होता है एक रिज्यूमे और सीवी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको पहले ही इससे पहले वीडियो जो बनाया था उसमें बता दिया है अच्छे से। वीडियो नहीं देखा है तो जल्द से जल्द जाकर चैनल पे देखें। जो ये सीरीज है, जनरली 10 वीडियो की मैं ये सीरीज बनाया हूं, जॉब सर्च कैसे करेंगे, रेज्यूम कैसे बनाएंगे, ये सब चीज ये 10 वीडियो में रहने को है। तो ये सीरीज को, इसका एक भी वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना है आपको, क्लियर। सो गाइज, अभी अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे हम चलेंगे और आपको मैं जो सीवी किस तरीके से बना है मैं इंस्ट्रक्ट करूंगा आपको। कुछ फैंसी तरीके की सीवी भी रहेगा, कुछ सिंपल एंड स्वीट प्रोफेशनल टाइप का सीवी रहेगा। क्या चीजें इंक्लूड करना चाहिए, क्या नहीं इंक्लूड करना चाहिए, ये हर एक चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइज, मैं आपको इससे पहले जो डिफरेंसेस वाले वीडियो में बनाया था, जिसमें बताया था मैंने आपको कि क्या होता है डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूम में, उसमें मैंने आपको बकायदा डिटेल में बताया था कि सीवी किस तरीके के लोग को अप्लाई करना चाहिए और रिज्यूम कैसे लोग को अप्लाई बनाना चाहिए, क्लियर है। सो आज मैं सीवी की बात कर रहा हूं तो पहले ही यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं, सीवी जो होता है एक्सपीरियंस्ड लोग ही सिर्फ बनाते हैं, क्लियर है। और जनरली रिक्रूटर भी जो सीवी उनसे ही मांगते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस वगैरह रहता है। क्यों मांगते हैं, क्योंकि सीवी में क्या होता है, हम चीजों को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके बताते हैं, क्लियर है। रिज्यूम क्या होता है, हर चीज को शॉर्ट में हम बताना, एक पेज में या वन एंड हाफ पेज में ही चीजों को एक्सप्लेन कर देना, तो हर चीजें शॉर्ट शॉर्ट में हम बताते हैं, क्लियर है। बट अगर कोई कंपनी, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो और आपको रिक्रूट कर रही है, तो आप वो जरूर देखती है कि आपने जो प्रीवियसली वर्क किया है उसमें क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या थी, क्लियर है। तो वो ढूंढती भी है, इसीलिए वो सीवी मांगती है आपसे कि आप थोड़ा डिटेल में लिखो, क्लियर है। बट गाइस, रियली अपने इंडिया की बात करें यार, कुछ भी होता है, क्लियर है। सीवी को रिज्यूम बोल देंगे, रिज्यूम को सीवी बोल देंगे, समझ ही रिक्रूट क्या मैं बोलना नहीं चाहता, बट 50-60% रिक्रूटर को ही नहीं पता होता है यार ये सीवी है या रिज्यूम सामने वाला दिया है, मैं सामने वाले से रिज्यूम मांगू या सीवी मांगू, क्लियर यार। ये अपने इंडिया का जो फंडा है ना, ये कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो सकता, क्लियर है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं अपने भारत का, बट यार ये एक मेंटेलिटी, अरे यार आने दो ऐसा वाला, अरे आने दो यार जो है ठीक है, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा सा समझना, मैं अभी आपको सीवी दिखाऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो काफी लेंथी है। गाइज, मैंने पहले ही बताया सीवी क्या होता है, आपके पूरे करियर को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना, क्लियर, यही है ना सीवी। सामने वाला इसी विचार से मांगेगा आपसे कि उसमें आपने क्या लिखा है, हर चीज आपके डिटेल में आपको जानने की कोशिश करेगा, तो वैसा ही दोगे ना, एक पेज का तो सीवी बना के नहीं दोगे, तो फिर रिज्यूम और सीवी में डिफरेंस क्या रह गया, क्लियर है। तो ये जो मैं ज्ञान दिया इतना लंबा सा, आई थिंक 1-3 मिनट का ये ज्ञान मैंने आपको दे दिया, आप भी बोर हो रहे होगे। सो लेट नहीं करते हैं गाइज, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं कैसे सीवी बनाना है, क्लियर है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये रहा आपके सामने करिकुलम विटाए, ठीक है। ये जनरली जो मेरे पास सैंपल पड़ा हुआ है, ये टोटल 3 पेज का मैंने ये सीवी बनाया है आपके लिए, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से, क्लियर है। ये देखो टोटल 3 पेज का ये सीवी है, क्लियर है। ऐसा ही होता है गाइस सीवी, क्लियर है। रिज्यूम तो नहीं बना रहे हो ना, रिज्यूमे तो बना नहीं रहे हो कि एक पेज में या 1.5 पेज में निपटा देना है। देख लो, इसमें एक एक चीजों को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया, आपके हर एक वर्क एक्सपीरियंस को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, क्लियर है। इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से चीजें यहां पे दिखे। तो ये देखो इस तरीके का ये हो गया करिकुलम विटे। ये देखो, ये हेडिंग आपको लिखना है कि भैया आपका क्या है, रेज्यूम तो नहीं है ना। तो देखो, रेज्यूम में लिखने की जरूरत नहीं होती कि भाई ये रेज्यूम है, ठीक है। बट यहाँ पे जब सीवी आप देते हो किसी को, तो बकायदा ऊपर में मेंशन जरूर कर दिया करो, थोड़ा सा हाईलाइट अच्छा लगता है। करिकुलम विटे देखो हमने मेंशन कर दिया। मेंशन करने के बाद गाइस, जो फर्स्ट पेज होता है सीवी का, क्लियर है, थोड़ा ध्यान देना मेरी बातों का। सीवी का जो फर्स्ट पेज होता है, कोशिश किया करो गाइस, उसमें आपकी जो भी इंपॉर्टेंट आप लाइक आपका एजुकेशन, आपकी स्किल्स, इसको दिखा दो फर्स्ट पेज में, क्लियर है। आफ्टर दैट वर्क एक्सपीरियंस या फिर डिटेल्ड स्किल के बारे में सेकंड पेज से फिर चीजें, अपनी जो भी महान गाथाएं हैं उसको सेकंड पेज से स्टार्ट कर देना। फर्स्ट पेज थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्लियर।
देखो एक तो मैं बहुत सिंपल एंड स्वीट आपको सीवी दिखा रहा हूँ। देखो इसका फर्स्ट पेज देखो कितना सिंपल है और प्रोफेशनल है, क्लियर है। सेकंड पेज से देखो यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चालू हो गया है। गाइज ये जो टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। हमारी वेबसाइट से जाकर ये करिकुलम विटाए का आप टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, और भी काफी सारे टेम्पलेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे हमारे उस वेबसाइट पे। और बकायदा हर टेम्पलेट का किस तरीके से एडिट करें उसकी वीडियो भी मिल जाएगी आपको। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर फॉलो करें हमारे चैनल को। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ही जाना, क्लियर है गाइस। एक तो मैं आपको सिंपल एंड स्वीट दिखा रहा हूँ, एक थोड़ा फैंसी दिखा रहा हूँ। कुछ लोग को लगता है फैंसी में, तो ये देखो ये थोड़ा सा मैंने फैंसी आपके लिए रखा है। ये फ्रंट पेज आपका फैंसी रहेगा, बाकी जैसा वो था ना वैसा ही हो जाएगा। फ्रंट पेज फैंसी आप रख सकते हो या फिर इस तरीके से रख सकते हो, ठीक है। ये भी एक तरीके का है फ्रंट पेज रखने का। और दिखाऊं तो आपको मैं इस तरीके का भी फ्रंट पेज रख सकते हो, क्लियर है। सेकंड पेज से फिर वैसे ही नॉर्मली कंटिन्यूअस आपको कर देना है, क्लियर है। तो वो फैंसी वगैरह है, उसमें भी अपन डिटेल डिस्कस करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं कैसे बनाना है, क्या चीजें इसमें एंट्री करनी है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको हेडिंग बता दिया, सबसे पहले क्या करना है, करिकुलम विटे आपको ऊपर में लिखना है। फिर अपना नाम, यहाँ पे अपना नाम, और ये देखो नाम एंड सन ऑफ सुशील परमार, नेहा परमार कैंडिडेट का नाम है, और ये चीज लिखना है। इसके बाद आपको अपना एड्रेस लिखना है, एड्रेस लिखने के जस्ट नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर यानी मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराना है, और ईमेल आईडी जो वैलिड है वो ईमेल आईडी प्रोवाइड कराना है, क्लियर है। ये स्टार्टिंग में ही फर्स्ट पेज आपका सीवी का जो फर्स्ट पेज है उसमें ये चीज होना चाहिए, क्लियर है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अब देखो ये मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखा है, आप चाहो तो ये इमेज नहीं भी लगा सकते हो, बट यार आजकल का जो ट्रेंड है ना, पर्सनैलिटी बहुत देखा जाता है, क्लियर है। आपका पर्सनैलिटी कैसा है आपके इमेज से ही पता चलेगा सामने वाले को। तो ज़्यादातर आजकल जो एचआर वगैरह है वो पर्सनैलिटी बहुत ढूंढते हैं। मैं भी जब जॉब पोस्ट करता हूँ तो मैं भी कोई अप्लाई करता है तो रिज्यूम भेजता है तो मैं देखता हूँ यार उसकी पर्सनैलिटी तो दिखा यार वो कैसा दिख रहा है, क्लियर है। तो ये शो करना अच्छा है, सही चीज़ है, और सिलेक्शन का चांस भी बढ़ जाता है यहाँ पे, क्लियर है। तो ये चीज़ कर लेना है पहला। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्लियर है। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है गाइज, बहुत लोगों को मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है, ऑब्जेक्टिव सिंपल नहीं लिखना है। आप कोई फ्रेशर नहीं हो कि ये लिखोगे कि यार मुझे अपने कंपनी में मौका दीजिए तो मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन को और साथ ही साथ खुद की स्किल को भी डेवलप करूंगा, ऐसा वैसा, ठीक है, ये सब नहीं लिखना। फ्रेशर नहीं हो, सीवी बना रहे हो, मतलब यू हैव सम एक्सपीरियंस, क्लियर है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है ना उसको एक लाइन या दो लाइन में अपने हेडिंग बनाओ, अपने एक्सपीरियंस को टैगलाइन बनाकर यहाँ ऑब्जेक्टिव में आपको लिखना है, क्लियर है। ध्यान देना, जैसे एग्जांपल ये एक मैकेनिकल इंजीनियर है, इसका मैं बता रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव में इसने क्या लिखा है, स्किल्ड मैकेनिकल इंजीनियर, बहुत अच्छा लाइन है, विथ 3+ ईयर एक्सपीरियंस किसमें, डिजाइनिंग एंड मेंटेनिंग टूल्स इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग सिस्टम एंड इक्विपमेंट्स, सीकिंग टू लीवरेज माय एक्सपर्टाइज टू ज्वाइन टेक इन जो भी है एज अ लीड मैकेनिकल इंजीनियर, क्लियर है। तो इस तरीके से टैगलाइन लिखना है, और ये बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव होना चाहिए गाइस। ये एकदम आंखों को, एकदम एचआर की आंखों को एकदम लगता है ओ तेरी यार दम है बंदे में, क्लियर है। तो ये चीज जरूर लिखना, बच्चों जैसा फ्रेशर तो हो नहीं कि लिख दोगे यार आप एक कंपनी के लिए हो, तो अपने जो एक्सपीरियंस सीवी बना रहे हो तो पुराना एक्सपीरियंस को टैगलाइन बनाकर यहाँ पे लिखना है, क्लियर। ये हो गया, अब आगे बढ़ते हैं एजुकेशन। अगला है एजुकेशन। एजुकेशन में अपने जो भी एजुकेशन है, लाइक एग्जामिनेशन में जैसे 10th किया है, 12th किया है, बी किया है, एमबीए किया है, फिर किस स्ट्रीम से किया है, पासिंग ईयर क्या था, क्लियर है, कौन से बोर्ड से किया था आपने, कॉलेज कौन सा था, और आपकी परसेंटेज क्या थी, क्लियर है। परस्यूइंग है तो परस्यूइंग लिख दो। इस तरीके से आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको इस टेबल में बनाना है, क्लियर है। फिर आगे बात करते हैं एडिशनल स्किल। तो देखो ये फ्रंट पेज जो है गाइस, इस फ्रंट पेज में आपको घिचपिच नहीं करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं डालना है, बट वो चीज़ें यहाँ पे डालना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। सीवी का फ्रंट पेज अट्रैक्टिव होना चाहिए। मैक्सिमम जो आपका जो एचआर है वो फ्रंट पेज ही देखकर समझ जाता है कि भाई इसको देना है कि नहीं। तो कैसे पता चलेगा, आपका जो एडिशनल स्किल जो यहाँ पे लिखे हो इससे, क्लियर है। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो कोशिश करना वो स्किल लिखना। मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपके पास स्किल नहीं है, थोड़ा बहुत उस चीज़ के बारे में जानकारी है, तो स्किल को, उस स्किल को जरूर लिखो।
जिस स्किल को, जिस मान लो फॉर एग्जांपल आप ये कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो या फिर प्रोडक्शन लाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो प्रोडक्शन लाइन में क्या क्या स्किल चाहिए, क्लियर है, वो स्किल को यहाँ पर जरूर रिप्रेजेंट करें। जिस तरीके की जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस जॉब में क्या स्किल्स चाहिए, क्या होने चाहिए, पता करो, कीवर्ड्स ढूंढो और उस कीवर्ड्स को यहाँ पे अपने स्किल में दर्शाओ, क्लियर है। तो सीवी का फ्रंट पेज इससे ही चमकता है, क्लियर। अब गाइस आगे बढ़ते हैं, फ्रंट पेज हो गया, फ्रंट पेज के बाद हम आते हैं इस डिटेल्ड स्किल, अपने स्किल को थोड़ा सा डिटेल्ड में लिखना। सेकंड पेज आ गया, सीवी है ना, लिखो डिटेल्ड में। तो डिटेल्ड में कैसे लिखा इस बंदे ने, सॉफ्टवेयर टेक्निकल प्रोसेसेस इंक्लूड ऑटोकैड, मैटकैब, ऑटोडेस्क, लैब व्यू, राइनो, मैथमेटिकल, मैथमेटिका, मैटलैब, एमएस प्रोजेक्ट, एमएस ऑफिस सूट, रिसर्च एंड डिजाइन प्रोफेशंस इंक्लूड फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस भी आता है, प्रोजेक्ट क्वालिफिकेशन प्लानिंग, आईएसओ एंड सेफ्टी कॉम्प्लायंसेस, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एनालिसिस, ऑन एंड ऑफ लाइन टेस्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन, डिजाइन एंड वैलिडेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल फॉर डिटरमिन। देखो शुरू में अपने स्किल को टेक्निकल स्किल दिखाओ, फिर टेक्निकल स्किल के बाद धीरे धीरे क्या अपने स्किल को प्रोफेशनली में कन्वर्ट करते जाओ, ठीक है। कैसे कैसे प्रोफेशनली, लाइक टीम वर्क, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो टेक्निकल से मैटलैब, ये एमएस ऑफिस, ऐसे करते करते धीरे धीरे नीचे की ओर आते आते अपने प्रोफेशनल स्किल्स को यहाँ पे दर्शाना है आपको, ठीक है। देखो जैसे आगे एक्सेल इन टीम वर्क एनवायरमेंट वेयर इंजीनियर्स कम टुगेदर टू गेदर इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, इंप्लीमेंट अ स्ट्रेटेजी। फिर आगे इसने लिखा है प्रिंसिपल अफेक्टिंग सिचुएशन विच लीड्स टू लेस टाइम ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मोर टाइम एक्टिव। ये इस तरीके से टेक्निकल को प्रोफेशनली स्किल में डेवलप करते हुए इस तरीके से आपको पूरा अपने डिटेल लिखना है। ओके, डिटेल्ड स्किल हो गया, आगे चलते हैं वर्क एक्सपीरियंस पे। अगला आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताना है। तो ये जो बंदा है या बंदी है, इसके पास तीन ओल्ड एक्सपीरियंस हैं। एक तो मैकेनिकल इंजीनियर किसी पोस्ट पे था, ठीक है, एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियर था, फिर जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर, तीन अलग अलग पोस्ट पे ये काम कर चुका है, इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस है। तो लिखो जो भी एक्सपीरियंस है कि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मई 2020 से प्रेजेंट, और गाइस और जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होता है ना उसको आप टॉप में लिखा करो, जो पुराने एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको देखो नीचे इस तरीके से नीचे लिख दिया करो, और जो लेटेस्ट हो, जो अभी आप जस्ट छोड़ के आए हो या परसुइंग हो, प्रेजेंट हो, उसको वर्क एक्सपीरियंस के टॉप में लिखा करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। और ये डेट लिखना बिल्कुल मत भूलना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एज ए मैकेनिकल इंजीनियर फिर आपने अपना कार्यक्रम लिख दिया तो ऐसा नहीं चलेगा, कब से कब तक ये जरूर आप यहाँ पे डिफाइन करें, ठीक है, यहाँ पे मेंशन करें, ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर में इसकी क्या थी भाई, क्या काम किया था, तो एक्टिवली इंगेज इन एंड ओवरसीज ऑल फेसेस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग क्रिएटिंग मॉडल्स, डेवलपिंग डिजाइन, क्रिएटिंग प्रोटोटाइप्स, परफॉर्मिंग टेस्ट एंड प्रोड्यूसिंग द न्यू प्रोडक्ट, ये सब काम कर रहा था ये बंदा, ठीक है। एक्सपर्ट इन अप्लाइड रिसर्च में एक्सपर्ट था, सिमुलेशन में, न्यू कंटेंट डेवलपमेंट में एंड उसके वैलिडेशन में। तो इस तरीके से अपने जो भी एक्सपीरियंस फील्ड था, प्रोजेक्ट पे आप काम किए थे, उसको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। फिर जब आप एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियर थे जिस भी कंपनी में, जुलाई इतना से इतना तक, ठीक है, आप चाहो तो अपने कंपनी भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है, एसोसिएट मैकेनिकल इंजीनियर एट, यहाँ पे एट लगाकर एल एंड टी, ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो यहाँ एल एल एंड टी प्राइवेट एल टी डी, ठीक है, इस तरीके से आप ये चीज भी कर सकते हो। ओके, तो ये क्लियर हो गया। इस तरीके से जिस कंपनी में आप थे ना, उस कंपनी को भी रिप्रेजेंट जरूर करना, ये अच्छा रहता है हर में, जब भी मैकेनिकल इंजीनियर एट कहाँ पे, ठीक है, वो कंपनी का जरूर मेंशन करना, कंपनी मेंशन करके फिर यहाँ पे बता देना फिर क्या काम था, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होगी। फिर जूनियर मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ भी एट कहाँ, कौन से कंपनी में, ठीक है, क्या था, क्या काम किए थे, वो चीज लिख दो। फिर हॉबीज एंड इंटरेस्ट लिख सकते हो यहाँ पे, माय फ्री टाइम इज ऑक्यूपाइड लार्जली। तो क्योंकि आपका जो एचआर होता है ना, वो देखता है कि आप अपने काम वाम के अलावा भी आपका किस चीज पे ध्यान है,
क्लियर है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हॉबी एंड इंटरेस्ट में, क्लियर है। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, एक टीचिंग जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, अब ठीक है, अब हॉबीज एंड इंटरेस्ट में आपने क्या लिख दिया, आपको यूट्यूब पे वीडियो बनाना पसंद है, आप यूट्यूब पे लेक्चरिंग हो, तो क्या लगेगा स्कूल वाले को कि यार ये तो कुछ काम देंगे इसको घर पे करने के लिए, तो ये तो मना कर देगा, सर आई एम बिजी, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे कोचिंग में पढ़ाना अच्छा है, आई एम टीचर, ठीक है। तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान देकर ये चीजें लिखना, तो एचआर ये चीज जरूर देखता है, रीजन मैंने बताया आपको क्यों देखता है, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, वैसे सीवी बना रहे हो ना, तो सीवी आप एक्सपीरियंस्ड है उसके बाद बना रहे हो, तो अपना कॉलेज लेवल के टाइम पे कोई प्रोजेक्ट पे काम किए थे तो उसको भी आप शो यहाँ पे एक लाइन एक कॉलम और ऐड करके अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह को भी शो कर सकते हो। लेकिन गाइज किस टाइप के जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वैसा ही एक्सपीरियंस वगैरह शो करना, पहली चीज। एक पॉइंट और नोट कर लेना, मान लो प्रोडक्शन के लिए आप अप्लाई कर रहे, मान लो अपना ये जो रिज्यूम है ये आपने रेडी किया, आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है, बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में और सेल्स एंड सर्विस में आप अप्लाई कर रहे हो, तो कोशिश करना ये जो एक्सपीरियंस है उसको मेंशन ना करें, क्लियर है। ऐसा एक्सपीरियंस जब अगर ये कोई चीज ये एक्सपीरियंस अगर मेंशन भी कर रहे हो तो ज्यादातर चीजें उसमें दिखाओ कि आप सेल्स टीम के साथ काम किए हो, ऐसा वैसा चीजें लिखो, नहीं है फिर भी लिखो, क्लियर है। ये चीज बहुत जरूरी होता है कि आप किस तरीके की जॉब के लिए अपना सीवी बना रहे हो, ठीक है। आलस बिल्कुल मत खाना कि एक ही सीवी लो और जहां मन हो वहां पर पोस्ट करते रहो, क्लियर है। थोड़ा मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा सामने से, क्लियर है। सो ये हो गया, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट प्रो है हमारा प्रश्न, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये भी हाईलाइट जरूर करना, ये भी काफ़ी, इसमें जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिखी हैं ये तो होना ही होना चाहिए, लाइक नेशनैलिटी क्या है आपका, इंडियन, सेक्स मेल, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड। अच्छा, बहुत लोग का मैंने रिज्यूम में या फिर सीवी देखा है मैरिटल स्टेटस के आगे क्या लिख देते हैं, आई एम सिंगल। यार गर्लफ्रेंड को थोड़ी ना मैसेज कर रहे हो कि आई एम सिंगल, है ना, एक प्रोफेशनल बंदा एचआर आपका देख रहा है तो आई एम सिंगल ये क्या है, या सिंगल ये क्या है, तो प्रोफेशनली वर्ड यूज किया करो, हर जगह प्रोफेशनल काम में है ना, जॉब वगैरह, तो प्रोफेशनल वर्ड यूज किया करो। आपका फेसबुक का प्रोफाइल तो नहीं है ना, या फिर किसी गर्लफ्रेंड को तो मैसेज नहीं कर रहे हो ना आपकी, भाई आई एम सिंगल यार आ जाओ पैच अप, लाइक नॉट ना। तो मैरिटल स्टेटस वर्ड्स जो होते हैं उनको भी प्रोफेशनली यूज किया करो, सो अनमैरिड। डेट ऑफ बर्थ जरूर शो करना, आपका रेज्यूम में हो या सीवी हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ जरूर शो करना। लैंग्वेज लोन बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा लैंग्वेज आपको आता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज के लिए। महाराष्ट्र साइड या तमिल साइड जाओगे कंपनी में रिज्यूम किसी कंपनी के लिए डाल रहे हो तो लैंग्वेज बताना जरूर कि भैया आपको तमिल भी थोड़ी नहीं आता तो भी लिख दो यार, थोड़ी बहुत सीख जाएंगे जाकर, क्लियर है। तो थोड़ा सा सेलेक्ट होने का चांस यहाँ पे बढ़ जाता है। लास्ट में डिक्लेरेशन लिखकर यहाँ पे डेट प्लेस और अपना नाम लिखकर या साइन कर देना तो अप्रूव हो जाता है कि हाँ भाई तुम्हारा जो भी रिज्यूम वगैरह है ये सीवी जो है सही है। ओके, सो ओवरऑल गाइज जो भी इंपॉर्टेंट चीजें था मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताने वाला हूँ, वो क्या है लास्ट इंपॉर्टेंट गाइज, फॉन्ट। फॉन्ट का जरूर ध्यान देना, सीवी बना रहे हो तो इसका फॉन्ट जरूर ध्यान देना, और ऐसा फोटो नहीं लगाना है जैसा फोटो में यहाँ पे सैंपल के लिए मैंने उठाकर इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ऐसे दांत निपोरते हुए ऐसा फोटो बिल्कुल नहीं लगाना है, आपका जो प्रोफेशनल, ठीक है, टाई बेल्ट या प्रोफेशनल शूट में फोटो लगा देना, यानी कि टी शर्ट पहन के लगा दिए, ठीक है, नींद से उठे लगा दिए, नहीं थोड़ा शर्ट वगैरह में प्रोफेशनल फोटो जरूर यहाँ पे लगाना है आपको, क्लियर है। फॉन्ट को क्या है, प्रोफेशनल फॉन्ट यूज करना है आपको, लाइक एरियल यूज कर सकते हो या टाइम्स इन रोमन, इसके अलावा और कोई मत यूज करना। फॉन्ट की साइज क्या रखना है, फॉन्ट की साइज 12 से 16 के बीच में रखना है, जो हेडिंग्स वगैरह है उनको 16 आप रख सकते हो, बाकी जो मटेरियल्स वगैरह जो लिखते हो इसको आप 14 या 12 भी रख सकते हो। तो ये जो सीवी मैंने बनाया है इसमें देखोगे आप ये तो फ्रंट करिकुलम विटाए जो लिखा है ये थोड़ा सा बड़ा है, बाकी देखो अपना नाम और ये इसको थोड़ा हाईलाइट कर देना है, उसके बाद इस चीज को हाईलाइट नहीं करना है, और सबकी इन सबकी साइज देखोगे तो देख सकते हो टाइम्स न्यू रोमन और 16 की साइज मैंने रखा है।
फिर ये देखो ये हेडिंग जो है इसका भी टाइम्स इन रोमन 16 रखा है, एजुकेशन का 16 रखा है, और अंदर का जो मटेरियल है इसका मैंने 14 रखा है। आप इसको 12 भी कर सकते हो, 12 भी कोई ख़राब नहीं है, 12 भी आप इसको कर सकते हो, 12 भी काफ़ी सही रहता है। आपका थोड़ा सा क्या होगा, स्पेस मिल जाएगा, दो पेज की जगह एक पेज में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप इन सबको 12 भी कर सकते हैं, बट यार एडजस्ट कर लेना, मैंने इसको पूरा बिगाड़ दिया, कंट्रोल जेड कर देता हूँ, ठीक है। सो ये तो हो गया स्टैंडर्ड तरीका गाइज। अब यहाँ पे आपको मैं कुछ जैसे ये इस तरीके का दिखा रहा हूँ सीवी का, आप थोड़ा फैंसी सीवी बनाना चाहते हो ताकि सामने आपको लगता है अट्रैक्टिव, वैसे बनाना नहीं चाहिए, मैं तो कहूँगा जो मैंने आपको दिखाया वो बहुत सिंपल एंड स्वीट है। फ्रंट पेज में उसमें फ्रंट पेज में थोड़ी बहुत चीज़ें और आप डाल सकते हो, बट इट्स ओके। और ऐसा फैंसी मान लो यार चुल मची हुई है, बनाने का मन है आपको तो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार कभी कभी एचआर को चुभता है ये सब चीज़ें, ठीक है। लेडीज वाली जो एचआर होती है ना उनको यार अच्छा लगता है सजा धजा, बट यार जेंट्स वाला एचआर होता है ना, अरे यार ज्यादा ही हमसे ज्यादा होशियार यार है क्या, ईगो पे बात आ जाती है, तो थोड़ा सा वहां पे कम यूज किया करो ऐसी जगह। तो यहाँ पे अपना पिक पिक लगा लेना, फिर से बोल रहा हूँ ऐसा दांत निकालते हुए पिक बिल्कुल नहीं लगाना है, प्रोफेशनली पिक, यहाँ नाम वगैरह लिख दो इस तरीके से, अपना कॉन्टैक्ट वगैरह, और फ्रंट पेज में काफ़ी कम चीज़ ही शो करना है, अपना ऑब्जेक्टिव क्या है टैगलाइन लिख दो, एजुकेशन लिख दो, अपना स्किल्स लिख दो थोड़ा बहुत, स्किल लिखने के बाद और क्या लिख सकते हो, एडिशनल स्किल लिख दो थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा, कंप्यूटर स्किल वगैरह इस तरीके से। फिर अगले पेज से वापस से जैसा ये सब था, अगले पेज से जिस तरीके से ये था इस तरीके से ही चीज़ों को शो करना है। जैसे एक ये मैं ये भी दिखा रहा हूँ, ये देखो ये एक पेज का ही है, ये रेज्यूमे है, क्लियर। रेज्यूमे ने इसने क्या किया, टैगलाइन तो बड़ा अच्छा लिखा है, टैगलाइन के बाद इसने अपने एक्सपीरियंस को इस तरीके से लिखा है एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। फिर यहाँ पे एजुकेशन, ये सही तरीका नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट दैट्स नॉट गुड, क्लियर है। सो आपको बता दिया हूँ कैसा सीवी, ये सीवी का जो फॉर्मेट है अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप लिंक पर क्लिक करके ये सीवी को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें, कहीं भी डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम का, और हमारे टेलीग्राम पे और हमारे इंस्टाग्राम पेज को, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, इसकी जो फोर्थ वीडियो रहेगी हमारे रेज्यूमे सीरीज की, काफी जम अच्छी होने वाली है। सो वेट करना हमारे नेक्स्ट वीडियो का। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।